ये बताओ कि तुमने मुझे हस्बैंड कैसे पाया? थप्पड़ मारने वाला, हाथ से मारने वाला, लफ्जों से मारने वाला। बोल भी दो। अच्छा, वो शादी के अगले दिन लड़कियां मैके जाती हैं, आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे? ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। वो क्या? कल सारी रात तुम रोती रही, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता रहा, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि आई लव यू। बोलो। I love you. I love you too, मेरी जान। चलो तुम्हारी मम्मी के घर चलते। गेट खोलो। ये कहाँ जा रहा है? मैके ही ले जा रहा होगा। अजी पागल लड़का है, रात को थप्पड़ मारा है और आज मैके लेके जा रहा है। अरे कुछ नहीं करेंगे, उसके माँ बाप नहायत सफेद पोश और शरीफाना लोग हैं, और वैसे भी अमीर आदमी की दौलत तमाम ऐप छुपा देती है। आपने तो मेरे भाई को बिल्कुल विलन बना दिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है थोड़ा सा गुस्से का तेज, लेकिन उसको हैंडल भी करना आना चाहिए ना। डरो उस वक्त से दीला बेगम, जब दुरैया को वासे का गुस्सा हैंडल करना आ जाए, फिर हम और तुम कहां खड़े होंगे? ये बातें तजुर्बे से आती हैं, और मैं किसी को कुछ सिखाने वाली नहीं हूं। गाड़ी कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। ड्राइविंग आती है ना? जी, अबू ने सिखाई थी। उनकी गाड़ी तो मैनुअल होगी। हाँ, ये ऑटोमेटिक है। और अब से तुम्हारी गाड़ी है, इसे तुम चलाओ। मेरी? हाँ, तुम्हारे लिए तो खरीदी थी, अभी चंद दिन पहले शोरूम से आई है। मैंने सोचा था शादी के दूसरे दिन अपनी दुल्हन को गिफ्ट करूंगा। इसकी पिक्चर्स खींच के सोशल मीडिया पे लगाओ, ताकि तुम्हारे जानने वालों को तुम्हारी किस्मत पे रश हो। अच्छा सुनो, कहां जाके रोना मत, खामखा तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो, और मैंने सॉरी बोल तो दिया था जानी। अच्छा चलो, तुम्हें मेरी कोई एक आदत, कोई एक बात तो अच्छी लगी होगी, उसे याद करके माफ कर दो। कर दिया माफ जी।